इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू ए पी इज गिवन बाई टू एन अपॉन एन प्लस वन, तो हमें रेशियो ऑफ एट्थ टर्म बताना है। तो सबसे पहले हम दो ए पी को हम इस तरह से कंसिडर करते हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फर्स्ट ए पी है, दिस इज फर्स्ट ए पी। और सेकेंड ए पी को हम क्या करेंगे, सेकेंड ए पी को हम फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मानते हैं और सेकेंड टर्म ए कैपिटल ए प्लस कैपिटल डी, और ये अप टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी, ये हमारा सेकेंड ए पी होगा। अगर हम सम टू ए पी में देखेंगे तो सम टू ए पी, सम टू एनथ टर्म क्या होता है, सम टू एनथ टर्म इज गिवन बाई एन बाई टू और इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी और अपॉन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो दोनों का रेशियो एनथ टर्म का दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन एन बाई टू टू ए प्लस कैपिटल एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी, और इसका रेशियो क्या दे रखा है, टू एन अपॉन एन प्लस वन। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे पूछा है एट्थ टर्म का रेशियो, तो एट्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस सेवन डी, तो ए प्लस सेवन डी अपॉन ए प्लस सेवन डी की रेशियो पूछी है, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एन बाई टू और एन बाई टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से टू को हमने बाहर ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, टू को अगर हमने बाहर ले लिया तो टू और ये क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी, और इधर से क्या आ जाएगा, टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू और इंटू कैपिटल डी, और ये क्या आ जाएगा, टू एन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ से देख सकते हैं टू से टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए, ए प्लस सेवन डी की वैल्यू, तो सेवन डी यहाँ से आ जाएगा, तो एन माइनस वन अपॉन टू हमें कितना चाहिए, सेवन चाहिए, तो यहाँ से हम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन माइनस वन इक्वल टू फोर्टीन, तो एन इक्वल टू फिफ्टीन, तो एन इक्वल टू अगर हमने फिफ्टीन रख दिया तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से हमने फिफ्टीन रखा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस फिफ्टीन माइनस वन अपॉन टू, तो ए प्लस सेवन डी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस सेवन डी, और यहाँ पे अगर एन को हमने फिफ्टीन रखा तो ये कितना आ जाएगा, थर्टी अपॉन सिक्सटीन, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, टू से डिवाइड कर देंगे तो फिफ्टीन बाई एट, तो इसका इसका रेशियो क्या आ जाएगा, फिफ्टीन इज टू एट, तो फिफ्टीन इज टू एट हमारा करेक्ट आंसर होगा जब एट्थ टर्म का रेशियो पूछा है, तो फिफ्टीन इज टू एट कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।